सिंगरौली शहर में कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल पर कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है चंदेल खुद चुनावों में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ काम करते हैं, इसीलिए उन्हें शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए। सिंगरौली शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के खिलाफ पार्षदों ने बड़ा आरोप लगाया है और उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। सिंगरौली नगर निगम में कांग्रेस के 12 पार्षद हैं, जिसमें दो को आम आदमी पार्टी की महापौर रानी अग्रवाल ने MIC में शामिल किया है। तो कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने इन लोगों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। वहीं 3 बार के पार्षद राम गोपाल पाल को महापौर रानी अग्रवाल ने MIC में जगह दी, तो उनके कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त किए जाने की सूचना दी। अरविंद सिंह चंदेल ने कहा है कि यह पार्टी गाइडलाइन के बाहर जाकर आम आदमी पार्टी की महापौर रानी अग्रवाल के MIC में शामिल हुए हैं, इसीलिए क्यों ना इन्हें भी पार्टी से बाहर कर दिया जाए। इससे कांग्रेस पार्षदों में आक्रोश है। कांग्रेस के 12 पार्षदों में से लगभग 9 पार्षदों ने इकट्ठा होकर अरविंद सिंह चंदेल के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। इन लोगों ने कहा है कि अरविंद सिंह चंदेल खुद पार्टी लाइन के बाहर जाकर चुनाव लड़ते हैं। 3 बार वह ऐसा कर चुके हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों रेणु शाह, राजा बाबा और कमलेश्वर पटेल की हार हुई है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आज हम उनके पेपर के माध्यम से पता चला कि ये निष्कासित किया जाता है, लेकिन ये स्वयं जब राजा बाबा चुनाव लड़े ये खिलाफ किए पार्टी का, फिर पूर्व महापौर रेणु शाह जब चुनाव लड़ी ये ट्रैक्टर से चुनाव लड़ गए, फिर दोबारा फिर चुनाव जब हुआ अभी लोकसभा का ये भी अच्छे से प्रचार नहीं किए और विरोध में थे। जिला अध्यक्ष हमारे हैं, इनकी कार्यशैली में भारी अंतर समझ में आ रही है। हम सब यहाँ के 12 पार्षद में शायद एकाध दो को नहीं, लेकिन हम सब 11 के आसपास सब एक सूत्र में होकर मैं जिलाध्यक्ष का विरोध करता हूँ। जिलाध्यक्ष जो हमारे हैं जातिगत समीकरण जब तक क्या बोलते हैं वो सामान्य वर्ग के लोग यहाँ जिला सिंगरौली में जिलाध्यक्ष रहेंगे तब तक कांग्रेस कभी विजय हासिल नहीं कर सकती। मेरे दावा है, मैं आपको यहाँ से संदेश में बताना चाहता हूँ। माननीय राहुल गांधी जी और हमारे जो ऊपर के जो बड़े सभी पदाधिकारीगण हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जिलाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो OBC की श्रेणी से जो व्यक्ति यहाँ से आता हो, प्रॉपर यहाँ का पुस्तकीय निवासी हो, जहाँ पर यह विस्थापन से घिरा हो, वो इस तरह देख के और यहाँ पर बाहुल्यगढ़ है OBC का और सामान्य वर्ग के लोग की संख्या बहुत कम है, कहीं कहीं गिने चुने एक गांव घर वहाँ एक दो गांव में होंगे, लेकिन OBC के पूरे 45 वार्डों में पूरे क्षेत्रों में जब तक OBC का ग्राउंड ग्राफ बढ़िया उसको देख के जिस तरह निर्धारित नहीं किया गया जिला अध्यक्ष यहाँ, तो ये कांग्रेस पार्टी हमको तो लगता है कि शायद कभी नहीं सांसद हो गया, विधानसभा हो गया और ये महापौर हो गई जो सीटें हैं ये अपने सीट कब्जे में कभी नहीं कर सकते हैं। यदि OBC के लोगों को जिलाध्यक्ष का कमान अगर राष्ट्रीय लेवल से निर्धारित किया जाए किसी भी व्यक्ति को हो सकता है कि सफलता जरूर मिल सकती है। कहीं ना कहीं अधिकारियों के खिलाफ जो नगर निगम में बड़े है उनके खिलाफ इन लोगों ने हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को निकाला, जिससे कि अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था अपने पदों से उनके। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पार्षद अगर MIC के मंत्रिमंडल में रहते हैं तो कोई अच्छा कार्य करेंगे ही, तो निकालना उचित नहीं होगा। हम पार्षदगण इसका बहुत पुरजोर विरोध करते हैं और ये ठीक बात नहीं है। हमारा जिला अध्यक्ष जो है तानाशाही रवैये के कारण ये काम कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। कम से कम 32 दांतों में एक 12 पार्षद जीव की तरह है हम लोग, और उस 12 पार्षदों को भी निकालते रहिएगा तो पार्टी कहाँ रहेगी, नगर सरकार में हमारी पार्टी कहाँ होगी।